तो हमारे टॉपिक का नाम है मनी एंड बैंकिंग। तो इसमें बेसिकली दो पार्ट्स हमें डिस्कस करने, पहला पार्ट है मनी का, दूसरा पार्ट है बैंकिंग का। तो मनी के अंदर जो हमें बातें सिर्फ याद रखनी है वो रखनी है हम बेसिकली मनी की डेफिनेशन और मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट। तो वैसे ही बताया तो हम ब्रीफ में, पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम चला करता था जिसमें गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करा करते थे। फिर उसमें बहुत सारी समस्याएं होती थी, वो हमको एज सच तो नहीं पढ़नी, लेकिन फिर उन समस्याओं के समाधान के रूप में बेसिकली मनी धीरे धीरे इवॉल्व होके सामने आ गया। अब मनी जो है बेसिकली वो क्या होता है, मनी होता है कोई भी ऐसी चीज जिसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज कर सकते हैं और जिसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट भी करती है और जिसमें हर चीज की वैल्यू को हम उसी की टर्म में मेजर करते हैं। तो जैसा कि आप आजकल देखते हो कि आपको कोई भी चीज खरीदनी है, बाजार जाना है, तो आप मनी देते हो और सामान खरीद लेते हो और पूरी दुनिया के अंदर मनी जो है वो एक्सेप्टेबल है और इसको आप इजीली स्टोर भी कर सकते हो, यानी कि इससे आप वेल्थ को क्रिएट भी कर सकते हो और इससे आप किसी भी चीज की वैल्यू को मेजर भी कर सकते हो। तो ऐसे ही हर किसी भी चीज को मनी कहा जाता है। बाकी इसके अलावा फंक्शंस ऑफ मनी जो होते हैं वो हमको नहीं पढ़ने, यानी कि हमारे कोर्स का पार्ट वो नहीं है, इसीलिए उस पर आप ज़्यादा टेंशन ना लेना। अब जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन चीज़ है वो है सिर्फ कि मनी सप्लाई क्या होता है। तो सबसे पहले चीज़ ये कि मनी सप्लाई का मतलब है कि कितना अमाउंट ऑफ मनी जो है वो हमारी पब्लिक के पास है, यानी लोगों के पास है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसीलिए ये मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया कि हम इसको मेजर करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो ऐसा नहीं है कि ये फ्लो कॉन्सेप्ट है कि हम इसको पूरे साल भर के लिए देख रहे होते हैं, हम इसको किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए देख रहे होते हैं, तो इसीलिए इसको बोल दिया स्टॉक कॉन्सेप्ट। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात हमको ये ध्यान रखनी है कि जब हम मनी सप्लाई काउंट कर रहे होते हैं यहाँ पर पब्लिक के बारे में, तो टर्म पब्लिक का मतलब है कि आपके और मेरे जैसे जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो, और मान लेते हैं कोई जो बिजनेस फर्म्स ऑपरेट कर रही हैं इकोनॉमी में वो। लेकिन इसके अंदर दो लोगों को नहीं लेना होता या दो लोगों के पैसों को नहीं इंक्लूड करना होता, वो हमें ध्यान रखना है। कौन कौन, मतलब शॉर्ट टर्म में बोलें या नॉर्मल वे में बोलें, तो एक तो बैंक्स का पैसा या बैंकिंग सिस्टम का पैसा और दूसरा गवर्नमेंट का पैसा या सरकार का पैसा। हमें इन दोनों के पैसे को कंसिडर नहीं करना पड़ता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सरकार या जो हमारे बैंकिंग सिस्टम है देश के, या आरबीआई कह लो, ये मनी के प्रोड्यूसर्स हैं। तो इनके पास जो भी पैसा होगा तो वो तो मनी की सप्लाई खुद ही कर रहे होंगे, वो तो बना रहे हैं पैसे को, तो इसीलिए उनके पैसे को हम मनी सप्लाई के अंदर कंसिडर नहीं करते। तो मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट सिर्फ किस पर एप्लीकेबल होता है, या तो लोगों पर, प्राइवेट इंडिविजुअल्स पर, या फिर किसी बिजनेस फर्म्स पे। अब मनी सप्लाई जो होता है उसके बेसिकली बहुत सारे मेजर्स होते हैं वैसे तो मेजर करने के, लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ एक ही मेजर हमको पढ़ना है, वो है M1, जिसकी परिभाषा वैसे RBI ने हमको दे रखी है। तो मनी सप्लाई के M1 की परिभाषा के हिसाब से मनी सप्लाई के तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। वो तीन मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, एक तो होता है करेंसी नोट्स या कॉइन्स जो लोगों के पास हैं, दूसरा हो गया जितने भी डिमांड डिपॉजिट्स हैं जो लोगों ने या बिजनेस फर्म्स ने बैंकों के अंदर, कमर्शियल बैंकों के अंदर कर रखे हैं। अब इसमें एक बड़ा ही अच्छा और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो ये कि एक्सक्लूडिंग इंटर बैंक डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि अगर मैं ICICI बैंक हूं और मैंने अपना कुछ डिपॉजिट दूसरे HDFC बैंक में रखवा रखा है, तो इस पैसे को हम काउंट नहीं करते, इस डिपॉजिट को हम काउंट नहीं करेंगे। तो हम सिर्फ किसका डिपॉजिट काउंट करते हैं, जो लोगों ने या बिजनेस फर्म्स ने बैंक के अंदर करवा रखा होता है। अब यहां पर भी क्लैरिटी दे रखी है बेसिकली RBI ने कि ये जो हम डिमांड डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना, इसमें कई बार वाद विवाद चलता है बाजार में। तो डिमांड डिपॉजिट्स के अंदर वैसे तो आमतौर पर दो तरह के डिपॉजिट्स मान लिए जाते हैं, एक होते हैं करंट अकाउंट डिपॉजिट और एक होते हैं सेविंग अकाउंट डिपॉजिट आमतौर पे। लेकिन M1 की परिभाषा में बिल्कुल स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि सिर्फ हम करंट अकाउंट ही डिपॉजिट लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू M1 परिभाषा, हम परिभाषा के हिसाब से M1 की सेविंग अकाउंट को कंसिडर नहीं करते, क्योंकि अगर हम सेविंग डिपॉजिट भी कंसिडर करना शुरू कर देंगे तो फिर वो M2 के अंदर आना शुरू हो जाएगा, जो हमारे कोर्स में
नहीं होता बेसिकली, है ना। तो हम यही मान लेते हैं कि हमारे लिए डिमांड डिपॉजिट्स मतलब सीधा सीधा कौन से हो गए, जो पेबल ऑन डिमांड है या करंट अकाउंट के अंदर जो लोगों ने या बिजनेस हाउसेज ने पैसा अपना रख रखा है। इसके अलावा तीसरा और जो सबसे वाहियात कॉम्पोनेंट होता है जो किसी काम का नहीं है, वो है अदर डिपॉजिट्स विद RBI। कुछ NBFCs वगैरह होते हैं या कुछ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो अपना कुछ पैसा RBI के पास रखते हैं, उसको हम अदर डिपॉजिट्स कहते हैं, तो वो हमारे लिए एज सच कोई ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होते। तो बस मनी सप्लाई में आपको सिंपल सी क्या बात याद रखनी है या क्या बात पता होनी चाहिए कि M1 मेजर के हिसाब से मनी सप्लाई में क्या तीन कॉम्पोनेंट्स आ गए, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, दूसरा डिमांड डिपॉजिट्स और तीसरा अदर डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स में एक बात याद रखनी है कि इसके अंदर हमको इंटर बैंक डिपॉजिट को कंसिडर नहीं करना। और ओवरऑल मनी सप्लाई की अगर हम बात कर लें तो मनी सप्लाई में किस बात का ध्यान रखना है कि ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, इसमें पब्लिक का पैसा काउंट होता है, पब्लिक में आप भी आ गए और बिजनेस फर्म्स भी आ गए, लेकिन इसमें सरकार का पैसा नहीं लेना और इसमें RBI या बैंकिंग सिस्टम का पैसा काउंट नहीं करना, क्योंकि वो मनी के प्रोड्यूसर्स हैं। सिंपल। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है बैंकिंग को लेकर। तो बैंकिंग के टॉपिक को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक है कमर्शियल बैंक, एक है सेंट्रल बैंक, यानी एक हो गए बच्चे, एक हो गए दादाजी। कमर्शियल बैंक के अंदर हमको सिर्फ एक ही चीज़ पढ़नी है, वो होता है कि कमर्शियल बैंक किस प्रकार से इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट को क्रिएट कर रहे होते हैं। कमर्शियल बैंक के फंक्शंस को हमें नहीं पढ़ना एज पर आवर सिलेबस। और दूसरा है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के अंदर हमको सिर्फ ये पढ़ना है मेनली कि सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शंस होते हैं, यानी कि दादाजी क्या करते हैं। तो फटाफट से इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो कमर्शियल बैंक के क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को समझाने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो का मतलब ये होता है कि जब भी बैंक को कोई लोन मिलता है तो बैंक उस पूरे अमाउंट को किसी सामने वाले थर्ड आदमी को लोन की तरह नहीं दे सकता। तो अगर मेरे पास कोई डिपॉजिट आया 1,000 रुपए का, तो मैं वो पूरा का पूरा 1,000 रुपए किसी को लोन की तरह नहीं दे सकता। RBI कहता है कि आपको इसका कुछ पोर्शन अलग निकाल के रखना पड़ेगा। तो वो जो अलग निकाल के हम पोर्शन रखते हैं उसको बोलते हैं LRR। अब उस LRR के भी कॉन्सेप्चुअली दो भाग हो सकते हैं, एक हो सकता है CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, एक हो सकता है SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। CRR वो होता है जो हम RBI को ही दे देते हैं कि आप रख लो, और SLR वो होता है जो कमर्शियल बैंक खुद फिर अपने पास रख लेता है। अब क्रेडिट क्रिएशन के लिए जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये, मैं फटाफट से आपको इस टेबल से समझा देता हूं कि जब भी कोई डिपॉजिट हमारे पास आता है, फॉर एग्जाम्पल इनिशियली हमारे पास 1,000 रुपए का डिपॉजिट आया, और मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि हमारा लीगल रिजर्व रेशियो जो है वो है 20%, तो ऐसे केस में बैंक सिर्फ कितने रुपए का ही लोन दे पाएगा? 800 रुपए का, क्योंकि उसको 200 रुपी तो अपने पास रिजर्व के तौर पे अलग से निकाल के रखने पड़ेंगे। अब हमारी अजम्पशन कुछ इस तरह इसमें ऐसी होती है कि जो 800 हम लोन देते हैं किसी को, वो व्यक्ति भी, क्योंकि पूरे देश में बैंकिंग सिस्टम हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक ही है, तो वो व्यक्ति भी अपने 800 रुपए को खर्च करेगा, और जहां खर्च करेगा उस आदमी को वो पैसे अपने बैंक अकाउंट में ही डालने पड़ेंगे। यानी कि जो फर्स्ट राउंड में लोन की तरह 800 रुपए आप देख रहे हो, वही सेकंड राउंड में घूम के बैंक के पास एक डिपॉजिट के रूप में आ जाते हैं। तो बैंक को अगेन दोबारा से अपने पास 800 रुपए का 20% रिजर्व के तौर पर रखना पड़ता है, यानी 160, और रिमेनिंग 640 को वो लोन की तरह दे देता है। देन अगेन ये प्रोसेस आगे बढ़ता है, तो 640 रुपए फिर से बैंक के पास घूम के डिपॉजिट के तौर पे आ जाते हैं। देन अगेन 20% और 80% का ये खेल चलता रहता है। ये खेल फाइनली रुकता तब है जब हमारे रिजर्व्स का जो टोटल है वो हमारे इनिशियल डिपॉजिट के बराबर हो जाए। तो आप हरे रंग के एरो को ध्यान से देखना, तो जब रिजर्व का टोटल 1,000 हो गया, यानी कि वो हमारे बिल्कुल इनिशियल डिपॉजिट के बराबर हो गया, तब ये पूरा खेल रुक जाता है। खेल के रुकने पर जब हम डिपॉजिट्स का टोटल करते हैं तो वो डिपॉजिट्स हमारे पास 1,000 रुपए के बढ़कर 5,000 हो चुके होते हैं, यानी कि मनी ने अपने आप को कितने गुना बना लिया? 5 times, वेरी गुड। तो इसे बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। इसको निकालने का एक तरीका होता है 1/LRR। तो हमारे अजम्पशन में LRR 20% था, तो अगर हम इस फॉर्मूले से भी देखें तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 5 times। तो बेसिकली ये मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट हो गया, या इसी को हम क्रेडिट क्रिएशन भी कह देते हैं। तो ये था कमर्शियल बैंक की कहानी। और टोटल मनी क्रिएशन अगर हम निकालना चाहते हैं या इसका फॉर्मूला देखना चाहते हैं, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LRR। तो हमारे एग्जांपल में इनिशियल डिपॉजिट था 1,000 रुपए का,
और हमारा जो 1/LRR था वो था 20%। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारा टोटल डिपॉजिट 5,000 आ जाएगा। तो बेसिकली फंडा ये है कि हमने जो फर्स्ट डिपॉजिट बैंक में डाला वो फर्स्ट डिपॉजिट कितने गुना हो गया, 5 times। तो इसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। क्लियर यहां तक? फिर आपको पता होना चाहिए बेसिकली सेंट्रल बैंक के बारे में। तो सेंट्रल बैंक जो होता है वो किसी भी देश का सबसे बड़ा एपेक्स इंस्टीट्यूशन या कह लो कि मॉनेटरी सिस्टम का सबसे बड़ा बैंक होता है, सबसे बड़ा रेगुलेटर होता है। तो हमारे देश में वो है RBI। तो जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उन सारे कमर्शियल बैंकों को रेगुलेट कौन करेगा? RBI करेगा। तो RBI की बस हमको फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। तो आई होप वो आपको पता होंगे। मैं फिर भी एक बार ब्रीफ में आपको फटाफट से दिखा देता हूँ। एक होता है बैंक ऑफ इशू, यानी कि देश में जो भी करेंसी है वो कौन इशू करता है? सिर्फ RBI। सोल अथॉरिटी किसके पास होती है? RBI के पास। और यहां पर एक छोटा सा मिनिमम रिजर्व सिस्टम भी चल रहा होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि RBI का जितना मन करा उतना नोट छाप देगा। उसको कुछ ना कुछ मिनिमम रिजर्व ऑफ गोल्ड अपने पास या फॉरेन एक्सचेंज अपने पास रखना पड़ता है, उसी के अगेंस्ट वो प्रिंटिंग ऑफ नोट्स कर सकता है। दूसरा फंक्शन होता है RBI का कि ये बैंकर भी है, ये एजेंट भी है, ये एडवाइजर भी है। किसका? सरकार का। तो ये सरकार के बैंकर की तरह काम भी करेगा, ये सरकार के एजेंट की तरह काम भी करेगा, और सरकार को समय समय पर ये एडवाइस भी दे देता है। तीसरा फंक्शन होता है RBI का कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस करा था कि कमर्शियल बैंकों के पास जो भी पैसा होता है LRR वाला, उसमें से वो कुछ पोर्शन CRR वाला RBI को देते हैं। तो RBI उसको संभाल के रखता है। और चौथा फंक्शन RBI का ये कि RBI के पास देश का जितना भी रिजर्व है इंटरनेशनल करेंसी वाला, यानी जितने भी डॉलर्स हो गए, जितने भी पाउंड्स हो गए, या जो भी आप फॉरेन करेंसी सोच सकते हो, वो सारी की सारी कौन संभाल के रखता है अपने पास? RBI रखता है। पांचवा फंक्शन हो गया कि कभी कमर्शियल बैंक किसी मुसीबत में हो और उसको कहीं से भी पैसे ना मिल पाए, तो उस आखिरी सिचुएशन में कमर्शियल बैंक को कौन लोन दे देता है? RBI। उसको हम कह देते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसके अलावा जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उन सारे कमर्शियल बैंकों के बीच में हमें कुछ क्लियरेंसेस करवाने पड़ते हैं, क्योंकि आप मुझे ICICI बैंक का चेक देते हो, मैं अपने पंजाब नेशनल बैंक में उस चेक को डालूंगा, तो कई बार दो बैंकों के बीच में आपसी लेन देन क्रिएट हो जाता है। तो RBI उन सारे आपसी लेन देन को सारे कमर्शियल बैंकों के क्लियर करवा देती है। तो इस फंक्शन को कहते हैं RBI का क्लियरिंग हाउस फंक्शन या बैंक ऑफ सेंट्रल क्लियरेंस। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है RBI का, जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, वो ये कि साहब RBI जो है वो मनी को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो RBI जब चाहे लगाम कस सकते हैं और जब चाहे लगाम ढीली छोड़ सकते हैं, यानी कि जब चाहे वो इकोनॉमी में पैसे के फ्लो को बढ़ा सकते हैं और जब चाहे पैसे के फ्लो को कम कर सकते हैं। तो इस RBI की टेक्टिक्स को बहुत से लोग मॉनिटरी पॉलिसी भी कह देते हैं। तो आमतौर पर दादाजी ये पॉलिसी इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमी के अंदर कर रहे होते हैं। अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया तो दादाजी थोड़ा सा पैसों को लगाम लगा लेंगे, यानी कि कंट्रोल कर लेंगे, और बहुत ज्यादा डिफ्लेशन हो गया तो थोड़ा सा रिलीज कर देंगे, तो इकोनॉमी के अंदर पैसा जो है वो बढ़ जाएगा। तो आपको पता होने चाहिए कि दादाजी के ऐसे कौन से हथकंडे हैं। तो उन हथकंडों को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करा जाता है। एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव के अंदर वो सारे फैक्टर्स आते हैं जो सारे के सारे ही बैंकों पर एप्लीकेबल होते हैं, और क्वालिटेटिव के अंदर वो वाले फैक्टर्स आते हैं जो कुछ स्पेसिफिक बैंकों के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं। अब क्वांटिटेटिव कौन कौन से हो सकते हैं? आई होप आपको याद होंगे। नंबर वन, बैंक रेट। तो बैंक रेट का मतलब है कि अगर कमर्शियल बैंक ने RBI से कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया तो उसके बदले में वो उसको इंटरेस्ट पे करेगा, उसको हम बोलते हैं बैंक रेट। आपको बस सिंपल बात ये पता होनी चाहिए कि अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो RBI इस बैंक रेट को क्या करता है? बढ़ा देता है। तो उससे मनी सप्लाई कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाता है। दूसरा होता है इसी तरह रेपो रेट। रेपो रेट भी सेम कमर्शियल बैंक के लोन लेने वाले रेट को ही कहते हैं, बस फर्क यह है कि वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले रहा होता है। तो इसमें भी RBI अगर इन्फ्लेशन चल रहा होता है तो रेपो रेट को क्या करता है? बढ़ा देता है। इसी तरह तीसरा होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है कि कई बार कमर्शियल बैंक भी RBI को पैसा देते हैं, यानी कि अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो बदले में इस बार RBI कमर्शियल बैंकों को रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है, उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट।
इसमें आपको मजेदार बात यह याद रखनी कि अगर इन्फ्लेशन चल रहा होता है तो आरबीआई इसको भी इंक्रीज ही कर देता है। तो रेपो और रिवर्स रेपो के बीच में ध्यान रखना एक तरह से डायरेक्ट ही रिलेशन है। रेपो बढ़ेगा तो रिवर्स रेपो भी बढ़ेगा, रेपो घटेगा तो रिवर्स रेपो भी घटेगा। फिर होता है आरबीआई का एक बहुत ही बेहतरीन ओपन मार्केट ऑपरेशन का हथकंडा, जिसमें वो कमर्शियल बैंकों से या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लेता है या बेच देता है। खरीदने बेचने का वो डिसीजन लेता है इस बात पर कि क्या मुझे पैसे देने हैं या मुझे लेने हैं। अगर उसको लगता है इन्फ्लेशन है तो ऐसे केस में वो अपनी सिक्योरिटीज को सेल कर देगा, और अगर उसको लगता है डिफ्लेशन है तो ऐसे केस में वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय कर लेगा। तो ये आरबीआई को फंक्शन को ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। इसके अलावा सीआरआर और एसएलआर के माध्यम से भी आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करता है। अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो वो सीआरआर और एसएलआर की रिक्वायरमेंट्स को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ये तो हो गए जी क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में तीन या दो ही कह लो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट और एक होता है मॉरल सुएशन। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब है कि अगर आपने बैंक से 100 रुपए का लोन लिया तो बैंक आपसे बदले में सिक्योरिटी लेता है 120 रुपए की, तो इसका मतलब आपने कितना मार्जिन दिया, 20। तो अगर आरबीआई को लगता है कि देश के अंदर इन्फ्लेशन है और क्रेडिट को कंट्रोल करना चाहिए तो वो मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या करेगा, बढ़ा देगा, एंड वाइस वर्सा। दूसरा होता है एक मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन जो आपके घर में भी आपके पापा आपके साथ करते हैं रोज, यानी कि आपको प्यार से समझाते हैं, कई बार धमकाते हैं, इस तरह की बातें आपके साथ घर में करी जाती हैं ताकि आप लाइन पे आ जाओ। तो सेम चीज आरबीआई भी कमर्शियल बैंकों के साथ करता है, उसको हम कह देते हैं मॉरल सुएशन। बाकी क्रेडिट रैशनिंग भी है, ये ज्यादा रेलिवेंट नहीं है लेकिन इसका मतलब बता देता हूं। इसमें सिर्फ ये होता है कई बार बैंक को हिदायत देता है आरबीआई कि आप अलग अलग सेक्टर के हिसाब से इंटरेस्ट रेट को कम या ज्यादा चार्ज कर सकते हो। तो जैसा आपने प्रैक्टिकली भी देखा होगा, आप एजुकेशन लोन लेने जाओगे तो आपको इंटरेस्ट रेट कम मिल जाएगा, लेकिन अगर आप गाड़ी खरीदने के लिए लोन लोगे तो शायद आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ेगा। तो इस तरह की उठापटक को कहते हैं क्रेडिट रैशनिंग। तो ये हमें सारी बातें पता होनी चाहिए। तो कहानी याद आ गई, मनी एंड बैंकिंग, परफेक्ट। तो हम शुरू करेंगे अब इसके कुछ क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 1 से पहले आपसे डिस्कस करते हैं। द मनी इन विच द कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू इज कॉल्ड। तो किसी को पता है, जिसमें मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू दोनों बराबर होती है तो उस मनी को क्या कहते हैं, फुल बॉडीड मनी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑल दो हमको वैसे नहीं पढ़ना होता, बट क्योंकि क्वेश्चन में है तो इसीलिए हम मार्क कर लेते हैं। और अब याद रखना है, तो फुल बॉडीड मनी का मतलब होता है कि जैसे आपका ये 2 रुपए का सिक्का है फॉर एग्जाम्पल, तो ये किसी ना किसी धातु से बनता है। धातु का मतलब समझ गए, कुछ ना कुछ तो होता है ना, मेटल हो गया। तो अगर आप उस धातु को पिघला देते हो और उसको बाजार में बेचने जाते हो तो आपको 2 ही रुपए मिलेंगे एग्जैक्ट। तो कई बार ऐसा होता है कि जो मनी वैल्यू है उस धातु की वही सेम वैल्यू है कमोडिटी की भी, तो इस तरह के मनी को फुल बॉडीड मनी कहते हैं। दूसरा है जी क्वेश्चन, व्हाट इज द थिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। मनी, परफेक्ट। तो मनी ही एक ऐसी चीज है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह जनरली एक्सेप्टेड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, M1 एंड M2 मेक्स अप। तो हालांकि M2 वैसे नहीं पता होना चाहिए, लेकिन वैसे हम M1 की बात करें तो M1 क्या होता है, नैरो मनी, बिल्कुल सही। क्योंकि M1 और M2 जो है वो छोटे मनी सप्लाई के मेजर्स हैं, यानी कि जिसमें हम सारे डिपॉजिट्स कंसिडर नहीं करते, हम फिक्स डिपॉजिट को उसमें कंसिडर नहीं करते, इसीलिए वो नैरो मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट होते हैं। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। तो मारो तुक्का, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। तो रिजर्व डिपॉजिट रेशियो के लिए ऑप्शंस दे रहा है आपको कि भाई नन, या फिर बी प्रोपोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक कीप एज रिजर्व, या सी प्रोपोर्शन ऑफ मनी आरबीआई लेंड्स टू द कमर्शियल बैंक, या डी द टोटल प्रोपोर्शन ऑफ मनी दैट कमर्शियल बैंक लेंड टू द कस्टमर। कौन सा सही लग रहा है, बी बॉम्बे, क्योंकि रिजर्व डिपॉजिट रेशियो जो है वो बेसिकली LRR का ही कह सकते हो आप, एक दूसरा वर्जन होता है बेसिकली कि भाई कमर्शियल बैंकों को अपने डिपॉजिट्स में से कुछ पोर्शन जो है वो रिजर्व के तौर पे अलग करना पड़ता है। तो जो LRR का कॉन्सेप्ट होता है उसी को RDR भी
कहते थे पुराने जमाने में या मतलब आज भी कह देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर है जी 5। तो 5 जो है वो वैसे अब आपके लिए रेलिवेंट नहीं है क्योंकि ये पहले पुराने जमाने में हमारे कोर्स का पार्ट होता था, अभी नहीं है। द नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी इज नॉट बेस्ड ऑन, तो इसको हम स्किप कर देते हैं, इसको छोड़ो, है ना, वो पहले होते थे, तो लीव दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 ये है आपके मुद्दे का। वन ऑफ द वेरियस क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक ड्यूरिंग डिफ्लेशन, अगर डिफ्लेशन चल रहा है, अभी अभी हम चर्चा कर ही रहे थे, तो डिफ्लेशन चलने के टाइम पर क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट आरबीआई क्या अपना सकती है बताइए। जब डिफ्लेशन होता है तो आरबीआई चाहती है कि लोगों के पास ज्यादा पैसे पहुंच जाएं, तो उसके लिए वो लोगों से या ओपन मार्केट से सिक्योरिटीज खरीद लेगी, क्या कर लेगी, खरीद लेगी, क्योंकि जब वो सिक्योरिटी खरीदेगी तभी लोगों को पैसे देगी। तो इसका सही आंसर है जी बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कमर्शियल बैंक, कौन सा है कमर्शियल बैंक इसमें से, SBI है ना, सिंपल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि ये एक कमर्शियल बैंक है या प्रॉफिट के लिए काम करने वाला बैंक है। इसके बाद नंबर 8, द मेन एम ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज, अब मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी होती है, आरबीआई वाली होती है, अब उसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि हाँ कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या बन गया, टू ब्रिंग प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होगा तो भी आरबीआई स्टेप्स उठाता है, बहुत ज्यादा डिफ्लेशन होगा तो भी आरबीआई स्टेप्स उठाता है, तो इसलिए इसका अल्टीमेटली क्या बन गया मतलब मोटिव, प्राइस स्टेबिलिटी लेकर आना। उसके बाद 9th, वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक अमंग द फॉलोइंग इज, सेंट्रल बैंक जो है उसका क्या फंक्शन है, तो फंक्शंस अभी हमने लिस्ट पढ़ी थी तो उसमें एक आया था बैंकर टू द गवर्नमेंट, पढ़ा था ना, बैंकर एजेंट एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, तो क्या फंक्शन हमने पढ़ा है कि ये गवर्नमेंट का क्या होता है, बैंक होता है। फॉरेन एक्सचेंज का मैडम बैंक नहीं होता जी, फॉरेन एक्सचेंज का तो ये कस्टोडियन होता है, आप आरबीआई के पास जाके ये नहीं कह सकते भैया भैया $2 देना, ये लो मैं ₹150 लाई हूं, तो आरबीआई जो है वो फॉरेन एक्सचेंज का बैंक नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज का कस्टोडियन है, वो संभाल के रखता है, उसके पास बहुत बड़ा बक्सा है जिसमें वो देश का फॉरेन एक्सचेंज रखता है ना। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जो बच्चे बताएंगे, कैलकुलेट मनी मल्टीप्लायर, LRR है 10%, तो कितना आएगा, 10 times, ठीक है बिल्कुल सही, तो मनी मल्टीप्लायर जो है वो आ जाएगा आपका 10 times, ठीक है, 1/LRR, सॉल्व कर लोगे आप फटाफट, तो ये सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 10। चलो अब आएंगे जी मजेदार चटपटे सवाल, क्वेश्चन नंबर 11, असर्शन कह रहा है इट इज कन्वीनियंट टू स्टोर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी बिकॉज द वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट रिमेन रिलेटिवली स्टेबल कंपेयर टू अदर कमोडिटीज। ओके, तो बच्चे कह रहे हैं कि ये तो बात ठीक है असर्शन की, लेकिन ये फॉल्स है, क्यों फॉल्स है, क्योंकि स्टेबल बल्कि वो रहता है, और कोई कमोडिटी जो है उसमें तो दिक्कत आती है, लेकिन मनी ही एक ऐसा है जो बल्कि स्टेबल रहता है, जिसकी वैल्यू और जिसको स्टोर करने में कोई भी दिक्कत हमें नहीं होती, तो इसीलिए रीजन जो उसने दे रखा है स्टेटमेंट वो गलत दे रखा है। तो 12 है आपका होमवर्क, उसके बाद 13, सीसी इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी नॉट डोमिनेटेड बाय द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज रीजन, सीसी इकोनॉमी इज वन इन विच कमोडिटीज आर एक्सचेंज फॉर कमोडिटीज और इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, तो ऑप्शन कौन सा मार्क करें, ए फॉल्स है मतलब एसर्शन गलत है, क्योंकि सीसी इकोनॉमी तो
डोमिनेट ही बार्टर सिस्टम ने करा था, क्योंकि सीसी इकोनॉमी का मतलब ही होता है कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, तो इसका मतलब असर्शन गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? डी, डी फॉर डोंकी। और रीजन में जो लिखी हुई है स्टेटमेंट वो सही लिखी है कि सीसी इकोनॉमी इज वन इन विच कमोडिटीज आर एक्सचेंज फॉर कमोडिटीज, है ना, बेसिक पॉइंट है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, 14 में लिखा है असर्शन, लोन्स आर रिफ्लेक्टेड एज बैंक्स डिमांड डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी डिपॉजिट्स। रीजन, बिकॉज लोन्स आर नेवर गिवन बाय वे ऑफ कैश टू द बोरोअर, दे आर ओनली रिफ्लेक्टेड इन द चेकेबल अकाउंट ऑफ द बोरोअर। सही है, मान लिया तुक्का। तो लोन्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं बैंक के डिमांड डिपॉजिट में इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी डिपॉजिट, तो मतलब ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो भी हम लोन देते हैं उसको हम एक सेकेंडरी डिपॉजिट ही कह रहे होते हैं, है ना। प्राइमरी डिपॉजिट तो वो हो गया जो हमारे पास पैसा आया, और सेकेंडरी डिपॉजिट हम मानते हैं जो हम लोन दे रहे हैं, क्योंकि किसी को लोन देना तो ऐसा मतलब नहीं होता कि बैंक अपनी जेब से कोई पैसे निकाल के दे रहा है, ये लो लोन ले लो। लोन का मतलब क्या होता है, वो आपके अकाउंट में उतने रुपए डिपॉजिट कर देता है, तो दैट इज अ सेकेंडरी डिपॉजिट। तो यही बात उसने रीजन में दे रखी है, बिकॉज लोन्स आर नेवर गिवन बाय कैश, दे आर ओनली रिफ्लेक्टेड इन द चेकेबल अमाउंट ऑफ द बोरोअर। तो अगर आप कभी बैंक से लोन लेने जाते हो तो ऐसा थोड़ी ना आपको ये ब्रीफ केस में पैसे घर में कैश लेकर आते हो, वो आपके अकाउंट में क्या कर देता है, डाल देता है, तो दैट इज अ सेकेंडरी डिपॉजिट ओनली। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 15, पढ़ लिया 15। अकाउंटिंग हैज नॉट बिकम सिंपल एंड इजी, और उसका रीजन बता रहा है, बिकॉज इंट्रोडक्शन हैज मनी रिमूव्ड द डिफिकल्टी, नाउ ईच गुड इज वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी। ये वो क्यों, क्योंकि हाँ, क्योंकि असर्शन गलत है, क्योंकि मनी के आने से तो अब अकाउंटिंग अकाउंटिंग सब बहुत ज्यादा सिंपल और आसान हो गई है, क्योंकि अब हर चीज को हम मनी के टर्म्स में वैल्यू कर लेते हैं। तो असर्शन जो है वो उसने गलत दे दिया है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 17 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 18, असर्शन मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पीपल। कह रहे सरकार के पैसे को हम स्टॉक ऑफ मनी नहीं मानेंगे, तो ये तो ठीक है। और इसका रीजन कह रहा है, बिकॉज द गवर्नमेंट एंड द बैंकिंग कंट्री बैंकिंग सिस्टम जो है आर द सप्लायर्स और प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी। ए, बोथ आर ट्रू। सही, ठीक है, बिल्कुल, तो ये ही बात है, परफेक्ट। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 19, असर्शन में कह रहा है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वॉज इन्वेंटेड टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। और रीजन कह रहा है, बिकॉज अंडर द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एक्सचेंज नॉट रिमेन्स एक्सट्रीमली लिमिटेड। क्यों, क्योंकि तो रीजन मतलब गलत है, अंडर द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एक्सचेंज नॉट रिमेन्स एक्सट्रीमली लिमिटेड, तो ये बात उसने गलत कही, क्योंकि एक्सचेंज बहुत ही लिमिटेड होते थे बार्टर में, क्योंकि गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करना पड़ता था, तो उस समय तो एक्सचेंज जो है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होते थे इनफैक्ट। तो उसने रीजन जो दिया है वो फॉल्स दिया है, और असर्शन जो स्टेटमेंट उसने दे रखी है वो सही लिखी हुई है, तो सही ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 20, असर्शन ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट्स आर टेकन एज पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, और उसका वो रीजन दे रहा है, बिकॉज इंटर बैंकिंग क्लेम्स आर ए पार्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक पीपल। तो नेट डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब आप समझे क्या हो गया? हाँ, वेरी गुड। नेट डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब है
कि इंटर बैंक डिपॉजिट्स हटा के, जो हमने अभी अभी एक चर्चा करी थी कि जब हम इंटर बैंक डिपॉजिट्स को हटा देते हैं उसको बोलते हैं नेट डिमांड डिपॉजिट। तो असर्शन तो ट्रू है कि ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट्स को लेना चाहिए, और उसका वो रीजन दे रहा है इंटर बैंकिंग क्लेम्स यानी वही डिपॉजिट्स आर पार्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पीपल। तो ये तो गलत हो गया, इंटर बैंक डिपॉजिट्स जो हैं ये तो बल्कि पार्ट नहीं होते, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तो सही ऑप्शन क्या बन गया, सी। चलो इसके बाद जी 21 आपका होमवर्क है, 22 पढ़ लेते हैं। 22 में लिखा है द कलेक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक्स इज यूजफुल इन मेकिंग पॉलिसीज एंड प्लान्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और रीजन बिकॉज सेंट्रल बैंक कलेक्ट स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बैंकिंग करेंसी एंड फॉरेन एक्सचेंज। क्यों, वेरी गुड, क्या बात है। तो बिल्कुल सही भेद बताया हमारे भाई ने कि स्टेटमेंट्स तो दोनों सही हैं बट ये लिखे थोड़ा सा अलग वे में है, यानी कि ये एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। सेंट्रल बैंक जो है वो डेटा कलेक्ट करती है रिलेटिंग टू बैंकिंग और करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि वो डेटा जो है वो हेल्पफुल होता है पॉलिसी और प्लान्स बनाने में, ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो अगर रीजन वाला स्टेटमेंट असर्शन दिया होता और असर्शन वाला स्टेटमेंट रीजन दिया होता तो ये सही बनती कहानी, लेकिन उसने उल्टा लिखा हुआ है। स्टेटमेंट दोनों ट्रू हैं लेकिन उसने लिखे हुए जो हैं वो उल्टे लिख रखे हैं, ठीक है ना। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल। उसके बाद चलो 23 देखते हैं, किसको पता हो अगर, अलग क्वेश्चन। फिएट मनी इंक्लूड्स ऑल द कॉइन्स एंड नोट्स इशूड बाय आरबीआई, और उसका वो रीजन दे रहा है बिकॉज फिएट मनी इज एक्सेप्टेड बाय मींस ऑफ पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। तो एक छोटा सा पॉइंट है, हमने पहले एक बार कभी डिस्कस करा होगा कि फिएट मनी तो वो होता है जो सरकार के या आरबीआई के ऑर्डर से इशू होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो लिखा है कि फिएट मनी इंक्लूड्स कॉइन्स एंड नोट्स इशूड बाय आरबीआई, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया। लेकिन जो मनी भरोसे पर चलता है, ट्रस्ट के बेसिस पर जो मनी चल रहा होता है उसको बोलते हैं फिड्यूशरी मनी। जैसे हो गया चेक, मैंने आपको चेक दिया तो वो तो आपको मुझ पे भरोसा है इसलिए आप मान गए, क्या पता चेक में मेरे बैंक में पैसे ना हो, तो कुछ भी हो। तो ट्रस्ट के भरोसे पर फिएट मनी कभी भी नहीं होता, ये उसने गलत स्टेटमेंट दे रखी है। ट्रस्ट के बेसिस पर जो मनी होता है उसको हम फिड्यूशरी मनी कहते हैं ना कि फिएट मनी कहते हैं। तो रीजन वाला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। उसके बाद है जी 24, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये बच्चे बताएंगे। 24 में कह रहा है असर्शन द सेंट्रल बैंक डज नॉट प्रोवाइड ए क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी टू कमर्शियल बैंक। कैसे पता चला, ए फॉल्स हो गया, ठीक है। तो बेसिकली असर्शन ही गलत हो गया तो हमको फिर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो कमर्शियल बैंक्स को क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी तो सेंट्रल बैंक बल्कि देता है, तो ये स्टेटमेंट शुरू में ही गलत हो गया था। उसके बाद है जी 25 भी बता दो, लेट सी। 25 में है असर्शन द नोट्स इशूड बाय सेंट्रल बैंक आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर, और उसका रीजन दे रहा है बिकॉज द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री हैज द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ इशूइंग नोट्स। तो डी क्यों कह रहे हो, पहला स्टेटमेंट तो सही है, जो आरबीआई नोट्स इशू करती है उसी को तो हम लीगल टेंडर कहते हैं बेसिकली, तो बिल्कुल सही है। और इसका रीजन भी बिल्कुल सही है क्योंकि जो सेंट्रल बैंक होता है देश का उसके पास राइट होता है, एक्सक्लूसिव राइट होता है नोट्स को इशू करने का, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है जी 26 आपका होमवर्क, उसके बाद है 27 भी आपका होमवर्क, 28, चलो 28 कर लेते हैं। सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम कमर्शियल बैंक एंड एडवांस लोन्स टू देम, और रीजन
बिकॉज सेंट्रल बैंक डील्स विद द जनरल पब्लिक। तो सिंपल हो गया, तो क्योंकि रीजन का गलत ही है, सेंट्रल बैंक जो है वो जनरल पब्लिक के साथ तो डील नहीं करती, तो ऑप्शन नंबर सी। हाँ, कमर्शियल बैंकों को वो लोन देती है, कमर्शियल बैंकों से वो लोन लेती है, वो ठीक था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलो 29 भी बता दो। 29 में कह रहा है द सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंक दैट कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री, और रीजन बिकॉज इट इज नॉट द सोल एजेंसी ऑफ नोट इशूइंग एंड कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। सी, क्योंकि रीजन जो है वो उसने गलत दे रखा है, बल्कि सेंट्रल बैंक तो सोल एजेंसी होता है किसी भी देश में। चलो उसके बाद जी 30 आपका होमवर्क, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अब कुछ करते हैं आपके साथ मैच द फॉलोइंग। आओ 31 करते हैं, इससे आपका दिमाग और खुल जाएगा। तो सबसे पहले इसमें पूछ रहे हैं जी फिएट मनी, तो अभी अभी बात हुई थी फिएट मनी कौन सा होता है जो, हाँ, जो इशू होता है ऑर्डर से। तो फिएट मनी, फिएट वर्ड का मतलब ही ऑर्डर होता है, क्या आप ये जानते हो? डिक्शनरी मीनिंग, फिएट का मतलब होता है ऑर्डर। तो फिएट मनी वो होता है जो किसी ऑर्डर से इशू हो रहा होता है, या तो सरकार करेगी या आरबीआई करेगा। उसके बाद बैंक मनी, अब जैसे मान लो आपको कंफ्यूजन है तो इसको छोड़ दो, थर्ड कर लेते हैं पहले। थर्ड है क्रेडिट मनी, क्रेडिट मनी कौन सा होता है जो शुरू शुरू में फुल बॉडीड मनी हमने पढ़ा था ना, उसका उल्टा, यानी कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है कमोडिटी वैल्यू से। इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लेते हैं 20 रुपए का सिक्का है ना, आपने देखा है 20 रुपए का सिक्का आ गया। अब आप उस 20 रुपए के सिक्के को पिघला दो, जला दो, तो उसको जलाने से आपको एक धातु मिलेगा। अब उस जले हुए धातु को आप बाजार में बेचो तो कितने रुपए मिलेंगे पता है? 2 रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई उसकी जो एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू है, मतलब मनी वैल्यू, सिक्का रहता तो 20 रुपए थी, सिक्का रहता तो आपके पास 20 रुपए होते, अब आपने उसको पिंघाल दिया, उसकी कमोडिटी वैल्यू कितनी है? मात्र 2 रुपए। तो इसको बोलते हैं क्रेडिट मनी। और अगर ये 20 रुपए का ही होता धातु तो क्या मानते हैं इसको? फुल बॉडीड मनी। तो फुल बॉडीड मनी कौन सा होता है जिसमें आपकी जो कॉइन पर वैल्यू लिखी है और जो धातु की वैल्यू है वो बराबर है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सिक्के पे लिखा है मान लो 2 रुपए और उसको आपने पिंघाल दिया, उसके धातु को बेच रहे हो 10 रुपए? तो हाँ, ऐसा नहीं होगा ना, नहीं तो बिल्कुल सही बात है, फिर तो हर आदमी यही करेगा, बिजनेस ही बन जाएगा ये। तो इसलिए दो ही तरह के मनी हो सकते हैं, या तो फुल बॉडीड मनी बराबर होगा या क्रेडिट मनी। सिक्के की वैल्यू ज्यादा होगी लेकिन उसको अगर आप धातु बना के बेचोगे तो उसकी कमोडिटी वैल्यू कम मिलेगी। चलो डी, फिड्यूशरी मनी, ये तो हमने पढ़ी लिया था। फिड्यूशरी कौन सा होता है जो ट्रस्ट पे चलता है ना, म्यूचुअल भरोसे पर चलता है, उसको बोलते हैं फिड्यूशरी मनी। तो अब ऑटोमेटिकली बैंक मनी क्या बच गया? हाँ, तो अब इससे आपको याद भी रहेगा। तो बैंक मनी कौन सा होता है जो बैंक क्रिएट कर रहा है, यानी कमर्शियल बैंक क्रिएट कर रहा है डिपॉजिट्स के फॉर्म में। तो क्लियर हो गया। चलो इसके बाद, चलो ये आप होमवर्क में अपने आप देख लेना 32। इसके बाद 33 भी होमवर्क में अपने आप। उसके बाद चलो 34 कर लेते हैं ताकि और क्लैरिटी हो जाए आपको। तो 34 कैटल मनी, हाँ, पुराने जमाने में जानवरों को इस्तेमाल करते थे मनी के तौर पे, कि बकरी लाओगे तो इतने रुपए, गाय लाओगे तो ये माना जाएगा, भैंस लाओगे तो ये, सांड लाओगे तो ये। उसके बाद कमोडिटी मनी, वेरी गुड। तो कुछ सालों पहले एग्रीकल्चरल क्रॉप्स भी मनी के तौर पे चला करते थे, है ना। उसके बाद मेटालिक मनी, कॉइन्स, तो मेटालिक
मनी जो हो गए वो हो गए आपके, पहले कॉपर कॉइन चलते थे, फिर सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन, ये सब भी आ गए और आजकल भी आ गए, तो ये हो गए कॉइन्स। और पेपर मनी तो पता ही है हमको, पेपर मनी मतलब नोट। ठीक है, तो मतलब देखो क्या क्या रूप है मनी के अलग अलग। चलो इसके बाद 35 आप होमवर्क में कर लेंगे, 36 कर लेते हैं डिस्कस, ये भी बढ़िया है। तो 36 में है जी बैंक रेट, बताइए, रिवाइज भी करा था। बैंक रेट और रेपो रेट, तो बस आओ इसी बहाने नॉलेज बढ़ाते हैं आपकी। अब बैंक रेट और रेपो रेट हैं तो दोनों एक ही थाली के चिट्टे बिट्टे, है ना? तो ये तो आपको पता था कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो बैंक रेट, शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं तो रेपो रेट। लेकिन जो बैंक रेट होता है तो उसमें आरबीआई जो है वो सिक्योरिटी नहीं मांगता, यानी कि बैंक रेट कौन सा वाला हो गया जिसमें आरबीआई कहता है कि ठीक है तुम पे भरोसा है, तुम तो अपने भाई हो, ठीक है। लेकिन रेपो रेट कब चल रहा होता है? रेपो रेट वो होता है जिसमें आरबीआई कहता है कि मुझे कुछ ना सिक्योरिटी भी दे दो, यानी कि वो कहता है कि कुछ कॉलेट्रल दे दो, कॉलेट्रल वर्ड का मतलब होता है सिक्योरिटी। तो दोनों की स्टोरी सेम है, दोनों की स्टोरी सेम है, तो फर्क क्या है? लेकिन बैंक रेट वो होता है जब आरबीआई कोई कॉलेट्रल नहीं लेता, और रेपो रेट कौन सा होता है? जब आरबीआई कोई सिक्योरिटी ले रहा होता है ना? तो आपकी नॉलेज बढ़ गई। इसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय आरबीआई, सिंपल पता ही है हमको। और सीआरआर तो रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक कैप्ट विद आरबीआई, परफेक्ट। चलो उसके बाद है 37, ये भी कर लेते हैं, अच्छा है। आइए तो 37 में नंबर वन बैंकर्स बैंक, इस लाइन से आप क्या समझ रहे हो कि हम कह रहे हैं आरबीआई जो है वो बैंकर्स बैंक होता है? वेरी गुड, हेड ऑफ बैंकिंग सिस्टम है ना, दादा होता है सबका, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई, कि वो पैसे को रोक सकता है, बढ़ा सकता है। बैंक ऑफ इशू प्रिंटिंग नोट्स, क्योंकि आरबीआई प्रिंट करता है नोट्स, वेरी गुड, सही। और लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, सेवियर ड्यूरिंग इमरजेंसी, कोई इमरजेंसी आ गई तो दादाजी मदद कर देंगे, परफेक्ट। उसके बाद 38 भी कर लेते हैं, मैच द फॉलोइंग एक बार, ये भी बढ़िया है। इसके बाद ए मॉरल सुएशन, वेरी गुड, आप पे दबाव डाला जाता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, वेरी गुड, ये भी हमने अभी पढ़ा था कि लोन और सिक्योरिटी वैल्यू का जो डिफरेंस होता है। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटा, तो आरबीआई कई बार कमर्शियल बैंक को ये लिमिट लगा देता है कि तुम बहुत ज्यादा लोन दे रहे हो एजुकेशन सेक्टर में, तो इससे ज्यादा नहीं दोगे, बिल्कुल सही। और ओपन मार्केट ऑपरेशन तो पता ही है, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, सही। चलो तो मैच था फॉलोइंग, ये वाला आप छोड़ देना, 39 ये कमर्शियल बैंक के फंक्शन पर आधारित है, और 40 आपका होमवर्क। चलो अब जो है कुछ इस प्रकार के केस स्टडी क्वेश्चन जो है वो हमारे बीच या हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। अब केस स्टडी के अंदर आपको, क्योंकि ये टॉपिक से ही रिलेटेड है, तो जरूरी नहीं है कि पूरी स्टडी पढ़नी हो, हम सीधा क्वेश्चन पे भी आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो नॉलेज है, हमको पढ़ के करना क्या है, हमको तो ऑलरेडी पता ही है सारा, तो हम सीधा क्वेश्चन ही देखते हैं कि वो क्या कह रहा है ना, तो क्योंकि हमें तो सब आता है, तो उसके पैराग्राफ, ये तो इंग्लिश का पेपर होता तब हम पढ़ते, क्योंकि उसमें तो अनसीन पैसेज आता है ना, यहाँ पे अनसीन पैसेज थोड़ी ना, यहाँ पे तो सीन ही सीन है, 100 बार सीन कर रखा है हमने, तो हम सीधा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि वो क्या कह रहा है। व्हेन कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ डिपॉजिट एंड रिजर्व्स, तो क्या होता है जब कमर्शियल बैंक कह रहा है क्रेडिट क्रिएट कर रहा है डिपॉजिट्स और रिजर्व के बदले में, तो उसको आप क्या टर्मिनोलॉजी दोगे?
क्रिएट मनी, बिल्कुल सही। तो कमर्शियल बैंक के बल्कि इसीलिए प्रोसेस को हम मनी क्रिएशन भी कहते हैं कि मनी क्रिएट कर रहा है। फिर नंबर टू, द सप्लाई ऑफ करेंसी इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय, सप्लाई जो है वो उसको गवर्न कौन करता है? आरबीआई, बिल्कुल सही। उसके बाद नंबर थ्री, आरबीआई मेंटेन गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटी एट मिनिमम लेवल। मैंने अभी आपको ये रिवीजन में बताया अभी था, तो अंडर डैश सिस्टम सच लेवल इज मेंटेन। हाँ, तो एक सिस्टम होता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम कि आरबीआई अगर कोई करेंसी इशू कर रहा है तो ऐसे नहीं कि कितना मर्जी भी कर देगा, उसको कुछ मिनिमम अपने पास गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व को रखना पड़ता है, और इसी को नाम देते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। परफेक्ट। और नंबर चार, ऑल द टाइप्स ऑफ करेंसीज आर नॉट इशूड बाय अ सिंगल अथॉरिटी डैश इशू ऑल कॉइन्स एंड वन रुपी पेपर नोट। तो एक रुपए, वेरी गुड, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फाइनेंस मिनिस्ट्री जो भी दिया होता। तो आरबीआई ही सारे अकेले नोट्स इशू नहीं करता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एक रुपए वाले करती है। क्लियर? तो बस देखो, हमें पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें ऑलरेडी चारों क्वेश्चन के बारे में नॉलेज थी। एक और कर लेते हैं, ये आप होमवर्क में करना, और ये भी आप होमवर्क में करना, और 44 वाला आप स्किप कर देना, ये अब आपको नहीं करना क्योंकि इसमें स्टैटिक और डायनामिक फंक्शंस जो हैं वो अब हट गए हैं हमारे, वो अब इसीलिए आप इसको स्किप कर सकते हो। और 45 भी आप स्किप कर देना, ये भी हमारे अब हट गया है बार्टर से, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। बाकी 46 हम कर लेते हैं डिस्कस आपके साथ। तो 46 की जो स्टोरी है वो हम छोड़ देते हैं क्योंकि सेंट्रल बैंक के बारे में हमें सब कुछ पता ही है, तो हम सीधा क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर वन, डैश इज द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स दैट एनी कमर्शियल बैंक हैज टू मेंटेन विद सेंट्रल बैंक। तो उसको क्या टर्मिनोलॉजी कहते हैं कि डिपॉजिट्स का कुछ प्रतिशत आपको सेंट्रल बैंक के साथ मेंटेन करना है, तो क्या बोलेंगे? हाँ, मतलब वैसे तो कैश रिजर्व बोलेंगे, लेकिन अब वो तो नहीं दे रखा ऑप्शन में, तो क्या बोल देंगे? रिजर्व, है ना। तो रिजर्व जो होता है वो क्या होता है कि डिपॉजिट्स का कितना प्रतिशत या कुछ प्रतिशत जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास मेंटेन करता है। उसके बाद नेक्स्ट, इन इंडिया सेंट्रल बैंक इज, कितना मुश्किल सवाल है ये, तो ये तो सबको पता ही होगा। चलो ठीक है, आरबीआई। उसके बाद नंबर थ्री, एज एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट द सेंट्रल बैंक फ्रेम पॉलिसीज टू रेगुलेट द, तो आरबीआई जो है वो सरकार को जब एडवाइस देती है तो वो किसके रिगार्डिंग पॉलिसी को बना रही होती है या रेगुलेट कर रही होती है? तो कैपिटल मार्केट अगर आप सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो, बिल्कुल सही, उसके लिए तो सेबी काम करता है। सिक्योरिटी मार्केट अगर आप सोच रहे हो तो उसके लिए भी आप गलत सोच रहे हो क्योंकि सेबी काम करता है। फॉरेक्स मार्केट अगर आप सोच रहे हो तो उसके लिए भी आप गलत सोच रहे हो, उसके लिए भी एग्जिम बॉडीज होती हैं, वो काम कर रही होती हैं। तो मनी मार्केट ही बचा। और आपने स्कैम 92 वाली सीरीज नहीं देखी क्या? तो बस फिर तो आपको पता ही होना चाहिए आंसर, तो मनी मार्केट। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद नंबर चार, मनी मार्केट कौन सा होता है वैसे, अगर किसी को नहीं पता तो मनी मार्केट होता है जिसमें शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, ये सब चीजें डील कर रहा होता है आरबीआई, है ना, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज। छोटे मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज मनी मार्केट में होती हैं, वो वाली सिक्योरिटीज। हाँ, वो सब मनी मार्केट ही तो होता है ना, जो छोटे छोटे जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको मनी मार्केट बोलते हैं। कैपिटल मार्केट और सिक्योरिटी मार्केट कौन से हो गए? स्टॉक वाले, जहां पे स्टॉक चल रहा है, शेयर्स चल रहे हैं, डिबेंचर बेचे जा रहे हैं। और जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स या आरबीआई जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच रही होती है, वो होता है मनी मार्केट। इसके बाद है जी नंबर चार, और देखते हैं इसका, वो वैसे ही बता देते हैं हम।
असर्शन कह रहा है द सेंट्रल बैंक कीप्स सम कैश बैलेंस ऑफ कमर्शियल बैंक एज कंपल्सरी डिपॉजिट, और रीजन कह रहा है इसका बिकॉज कंपल्सरी डिपॉजिट मेड बाय सेंट्रल बैंक हेल्प्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस। तो क्या दोनों आपको ठीक लग रहे हैं कि सेंट्रल बैंक कहता है कि कुछ बैलेंस कमर्शियल बैंक रखे कंपल्सरी डिपॉजिट के तौर पे, और वो कंपल्सरी डिपॉजिट सेंट्रल बैंक इसलिए रखता है ताकि फाइनेंशियल क्राइसिस में मदद हो सके। बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो केस जो है वो आप ऊपर से थोड़ा थोड़ा ब्रीफली पढ़ सकते हो, हालांकि मैं आपको वैसे बता देता हूँ इसमें बार्टर से रिलेटेड आपको कुछ बातें दे रखी हैं कि बार्टर क्या होता है। तो बार्टर तो याद है आपको, क्या पढ़ा था हमने, बार्टर सिस्टम क्या होता है, जिसमें हम गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, राइट। और इसमें कोई भी मनी का हम इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है ना। और बार्टर सिस्टम में आपने ये भी पढ़ा था कि इसमें जो एक आदमी को ज़रूरत होती है वो दूसरे आदमी के पास होना चाहिए, या दूसरे आदमी को जो ज़रूरत होती है वो एक आदमी के पास होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर हुआ करती थी, इसको बार्टरिंग भी बोलते थे, ठीक है ना। बार्टरिंग का एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी मिलता है, क्योंकि ये एक तरह से दो लोगों के बीच का पर्सनल रिलेशनशिप और स्ट्रांग करता है। आपके पास वो चीज़ है जो मुझे चाहिए, मेरे पास वो चीज़ है जो आपको चाहिए, तो हम दोनों अगर एक्सचेंज करेंगे तो दोनों को एक साइकोलॉजिकल हैप्पीनेस मिलेगी। तो ये थोड़ा सा एक बेनिफिट भी मिलता है। बाकी ब्रॉडर लेवल पर कह रहा है कि बार्टरिंग कैन रिजल्ट इन ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय एक्सचेंजिंग गुड्स इन क्वांटिटीज दैट रिप्रेजेंट सिमिलर वैल्यूज। बार्टरिंग कैन ऑल्सो हेल्प इकोनॉमीज अचीव इक्विलिब्रियम विच अकर्स वेन डिमांड इक्वल सप्लाई। वेन टू पीपल ईच हैव आइटम्स द अदर्स वॉन्ट, बोथ पीपल कैन डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ द आइटम्स एंड प्रोवाइड द अमाउंट दैट रिजल्ट इन ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब है कि जब दो लोग अपने गुड्स को एक्सचेंज करते हैं तो दोनों एक दूसरे के गुड्स की वैल्यू भी पता लगा सकते हैं, दोनों को एक ऑप्टिमम कह सकते हैं एलोकेशन मिल जाता है। तो जो चीज़ मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाती है, जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिल जाती है। चलो ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा तो दोबारा से पैराग्राफ में ढूंढ लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन, तो ये बताइए, डैश सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सीसी इकोनॉमी। ए, बार्टर, ठीक है। तो आप अपने बस आंसर में ए ऑप्शन लिख लेना। क्वेश्चन नंबर टू, डैश इज साइन ऑफ इंटरडिपेंडेंस। वेरी गुड, एक्सचेंज, क्योंकि इंटरडिपेंडेंस का मतलब है कि मैं आप पे निर्भर करता हूं, आप मुझ पर निर्भर करते हो, क्योंकि मेरे को जो सामान चाहिए वो आपके पास है, आपको जो सामान चाहिए वो मेरे पास है, तो दैट मीन्स एक्सचेंज। थर्ड कह रहा है, लैक ऑफ सिस्टम फॉर फ्यूचर पेमेंट्स और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट इज ड्रॉबैक ऑफ सी, बार्टर। तो ये हमने पढ़ा था, बार्टर का एक लिमिटेशन है कि हम इसमें फ्यूचर पेमेंट नहीं कर सकते या डेफर्ड पेमेंट नहीं कर सकते। फोर, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स हम किस में चाहिए हमको, बार्टर सिस्टम में, है ना। तो ये हमने पढ़ा भी था, तो ये उसकी एक रिक्वायरमेंट है। नंबर पांच, देयर डेवलप्स ए पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन डैश इन बार्टर सिस्टम विच हैज अ डैश बेनिफिट। ये आपको पैराग्राफ से मिलेगा, बताओ। तो देखो लिखा है, हाँ, कि इससे ट्रेडिंग पार्टनर्स जो होते हैं उनको एक तो फायदा मिलता है, और जिससे एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट क्रिएट हो जाता है दोनों को, है ना। तो ये आपको पैराग्राफ से ही मिलेगी लाइन। तो देयर डेवलप्स ए पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेडिंग पार्टनर्स इन द बार्टर सिस्टम विच हैज अ साइकोलॉजिकल बेनिफिट, है ना। तो ये पैराग्राफ में है। और नंबर सिक्स, ये भी आपको पैराग्राफ में ही मिलेगा, बार्टरिंग कैन हेल्प इन बिल्डिंग कौन सा नेटवर्क। तो ये कहां दे रखा है, ये रहा, बार्टरिंग कैन ऑल्सो हेल्प पीपल बिल्ड प्रोफेशनल नेटवर्क्स। तो बार्टरिंग जो है वो मदद करती है लोगों का प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड करने में, तो इसीलिए बार्टरिंग कैन हेल्प इन बिल्डिंग प्रोफेशनल नेटवर्क्स।
ठीक है, तो बस आप लिख लेना ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, अब नॉर्मल है, नॉलेज बेस्ड। सप्लाई ऑफ मनी रिफर्स टू क्वांटिटी ऑफ मनी, तो बताइए। डी डोंकी, बी बॉम्बे, बी बॉम्बे, डी डोंकी, बी बॉम्बे। क्योंकि मनी सप्लाई, एक पहली बात तो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, तो इसमें हम मनी के सप्लाई को या मनी के स्टॉक को जो मेजर करते हैं वो करते हैं एज ऑन पर्टिकुलर डेट। तो इसको एज ऑन एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करते हैं। तो मैंने एग्जांपल भी दिया था, अगर आपको याद हो, कि 7:27 पर आज लोगों के पास कितने रुपए हैं, इसको बोलते हैं ना मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई हमेशा मेजर किया जाता है एज ऑन एनी पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर। उसके बाद जी नंबर 8, बाय सप्लाई ऑफ मनी वी मीन, मनी सप्लाई क्या होती है? मनी अवेलेबल विद पब्लिक, डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक, मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक, या ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि सारी चीजें मनी सप्लाई के अंदर ही आती है। तो आपको अगर याद हो लास्ट लेक्चर में M1, M2, M3, M4 पढ़े थे, तो उसमें सब में ये कोई ना कोई पॉइंट्स कवर हो रहे थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में है, व्हाट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, मनी। तो ये हमने मनी की पहली लाइन ही पढ़ी थी कि मनी ने डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की समस्या को सॉल्व कर दिया था, है ना, वो तो है ही है। फिर नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मनी, क्या इनमें से फंक्शन नहीं है? यूनिट ऑफ अकाउंट है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, स्टोर ऑफ वैल्यू है, तो प्राइस स्टेबिलिटी ऐसा कोई भी हमने नहीं पढ़ा था फंक्शन, तो ये कोई मनी का फंक्शन नहीं है। उसके बाद 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बार्टर सिस्टम, मतलब इनमें से कौन सा बार्टर सिस्टम का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, वेरी गुड। क्योंकि बाकी अगर आप पढ़ोगे तो वो तो मनी के फीचर्स हैं, वो तो मनी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो बी जो है वो सही आंसर हो गया। तो अब लंबी गहरी सांस लेके आ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर 12। असर्शन में कह रहे हैं ए, इट इज कन्वीनियंट टू स्टोर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी। तो पहले इतना बताओ, क्या मनी के टर्म्स में वैल्यू को स्टोर करना ज्यादा कन्वीनियंट है? yes, क्या आप इस बात को सही कह रहे हो? ठीक है, फिर वो इसका रीजन दे रहा है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट रिमेन रिलेटिवली स्टेबल कंपेयर टू अदर कमोडिटीज। कह रहा है क्योंकि मनी की वैल्यू स्टेबल नहीं रहती दूसरी कमोडिटीज की अपेक्षा में। फॉल्स, वेरी गुड। तो अब सही ऑप्शन क्या बना? सी, वेरी गुड। तो सही ऑप्शन बना सी, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। तो ऐसे आपको सही ऑप्शन टिक करना है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, असर्शन कह रहा है मनी इज ए लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। मनी जो है वो एक कड़ी है जो वर्तमान को भविष्य से जोड़ती है। ट्रू, ये पढ़ा था कुछ, ये बात आपको सुनी हुई लग रही है। ट्रू, रीजन कह रहे हैं क्योंकि मनी एक स्टोर है वैल्यू का। ट्रू है, ए। तो अगर आप स्टोर ऑफ वैल्यू के नोट्स में चेक करोगे तो ये रीजन ही था, या इसी फंक्शन में हमने लिखा था स्टोर ऑफ वैल्यू में, कि ये एक कड़ी है जो वर्तमान को भविष्य से जोड़ती है ना। मैं आज पैसे को स्टोर कर सकता हूं तो मैं अपनी परचेजिंग पावर को भविष्य तक लेके जा सकता हूं, तो ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद 14, सप्लाई ऑफ मनी इज ए स्टॉक वेरिएबल। तो इसके लिए ना आपको मनी सप्लाई की जो फर्स्ट लाइन में डेफिनेशन है वहां पे वो कीवर्ड है, मैंने वैसे मार्क करवाया था,
वहां से देख सकते हो कि ये एक स्टॉक होता है, तो मनी सप्लाई इज द स्टॉक ऑफ मनी, ऐसा दे रखा है। तो ये बात, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो मनी सप्लाई जो होता है ये एक स्टॉक वेरिएबल होता है या ये एक स्टॉक होता है। और रीजन कह रहा है, रीजन कह रहा है बिकॉज सप्लाई ऑफ मनी इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली अ फिस्कल ईयर। तो सर कह रहे हैं कि सर ये बात फॉल्स है, क्योंकि मनी सप्लाई तो हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं। बिल्कुल सही। तो ये फिस्कल ईयर का मेजर नहीं होता है, ये तो एक पॉइंट ऑफ टाइम का ही मेजर होता है। बिल्कुल सही। तो अब कौन सा ऑप्शन बनेगा? सी। ठीक है, तो आप लिख लो सी। उसके बाद 15 में कह रहा है मनी हैज द मेरिट ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। तो इस बात से आप सहमत हो? मतलब मनी जो है उसका ये एक फायदा है कि ये जनरली एक्सेप्टेबल है, हर कोई ले लेगा। ट्रू। ठीक है, और इस बात का रीजन दे रहा है बिकॉज स्टोर ऑफ वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एसेट फंक्शन ऑफ मनी। सर ये क्या है? तो पहली बात तो चलो आपको बता देते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू में आपको एक कीवर्ड लिखवाया था ना, वेल्थ। मतलब एक तरह से वेल्थ को हम क्रिएट कर लेते हैं या स्टोर कर लेते हैं इन फॉर्म ऑफ मनी। तो स्टोर ऑफ वैल्यू जो होता है उसको एसेट फंक्शन ऑफ मनी कहा जाता है। तो ये बात आपको देखो एक नई सीखने को मिली इस सवाल के जरिए। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो स्टोर ऑफ वैल्यू जो है ये एसेट फंक्शन ऑफ मनी भी कहा जाता है या कहलाया जाता है, क्योंकि आप इससे वेल्थ क्रिएट कर रहे हो, आप इससे वैल्यू को स्टोर कर रहे हो। तो एक तरह से आप अपने लिए एसेट्स को बना रहे हो। तो अब बताइए बी, बॉम्बे। ठीक है, बिल्कुल सही। तो स्टेटमेंट्स दोनों ट्रू है, पर दोनों का कोई लिंक नहीं है। एक जनरल एक्सेप्टेबिलिटी की बात कर रहा है और एक स्टोर ऑफ वैल्यू की बात कर रहा है। चलो, तो ये हो गया जी। उसके बाद 16वां क्वेश्चन, 16 में कह रहा है मनी हैज प्रमोटेड बोथ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अक्रॉस ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है? कह रहे हैं कि मनी ने प्रमोट करा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पता है किसे कहते हैं? जैसे आपके और मेरी तरह जो हाउस होल्ड्स लोग होते हैं ना, जो हम खर्चा करते हैं, हम सुबह मिल्क खरीदते हैं, ब्रेड खरीद रहे हैं, शूज खरीदते हैं, शर्ट खरीदते हैं, इन्हें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करता है? जैसे मुकेश अंबानी साहब प्रोड्यूसर, उन्होंने मशीन खरीदी, उन्होंने इक्विपमेंट खरीदा, तो इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो अब आपको ये बताना है कि मनी ने जो घरेलू खर्चे हैं या जो प्रोड्यूसर के खर्चे हैं उनको बढ़ावा दिया है, उनको प्रमोट करा है। तो आप इस बात से सहमत हो? यस, ट्रू। क्योंकि अगर बार्टर सिस्टम ही रहता तो फिर इतने खर्चे नहीं होते। आज मनी है तो इसीलिए हम आसानी से सेल परचेज कर लेते हैं। और सेकंड रीजन में कह रहा है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू ऑफ मनी ब्रिंग्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी इनटू एग्जिस्टेंस। आज पैसा एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है, तो इस कॉन्सेप्ट से ग्लोबल इकोनॉमी का कह सकते हैं कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आया। मतलब आज पूरी दुनिया जो है वो एक है। आप यहाँ से यूएस पैसा भेज सकते हो, यूएस से पैसा ले भी सकते हो, तो मनी जो है वो इजीली पूरी दुनिया में ट्रांसफर हो सकता है। तो इससे ग्लोबल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आया। तो क्या आप इस बात से एग्री हो? ठीक है, तो अब सही ऑप्शन बताइए कौन सा? बी, बॉम्बे। ठीक है, बी बॉम्बे, वेरी गुड। तो स्टेटमेंट्स दोनों ट्रू हैं, लेकिन रीजन जो है वो एप्ट रीजन, सही रीजन नहीं है। चलो, अब आसान क्वेश्चन नंबर 17, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश वैल्यू ऑफ अ पेपर नोट इज व्हाट इज रिटन ऑन इट।
तो बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, हालांकि हमारे कोर्स में पढ़ाने को नहीं बोलते बच्चों को, लेकिन फिर भी अब आया है क्वेश्चन तो उसके थ्रू सिखा देता हूँ। तो आपने वो देखा है 100 रुपए का नोट या 500 रुपए का नोट, तो उसमें आपका देखते हो ना, उसमें लिखा होता है, छपा होता है 500 रुपए। तो वो जो कागज का टुकड़ा है, वो जो पीस ऑफ पेपर है, वो उस पेपर की भी तो एक्चुअल में कुछ वैल्यू होगी ना। मतलब वो पेपर जो है वो भी तो 1 पैसे 2 पैसे का आता ही होगा ना। तो उस कागज के टुकड़े की जो वैल्यू होती है, उस कागज के टुकड़े की वैल्यू को कहते हैं कमोडिटी वैल्यू। लेकिन वो नोट, क्योंकि उसमें लिखा हुआ 500 है, तो वो बाजार में कितने रुपए में चलेगा? 500 रुपए में। उसकी वैल्यू तो 500 है, कोई उसकी वैल्यू कागज के टुकड़े के हिसाब से थोड़ी ना देखता है कि भाई ये कागज है, थोड़ा सा मैं 1 रुपए मानूंगा। तो कमोडिटी वैल्यू चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर उसमें 500 छपा हुआ है तो उस 500 को बोलते हैं मनी वैल्यू। तो अब आप ये पढ़ो पॉइंट। तो वो कह रहा है डैश वैल्यू ऑफ पेपर नोट इज व्हाट इज रिटन ऑन इट। तो कौन सी वैल्यू मानी जाती है जो उस पे लिखी है? मनी वैल्यू। तो आंसर हो गया मनी वैल्यू। तो मनी वैल्यू का मतलब होता है जो उसमें लिखा हुआ है वो मनी वैल्यू। चलो बी आप बता सकते हो, आप होशियार हो। टर्म डिपॉजिट्स मतलब FD। टर्म डिपॉजिट्स आर दोज अगेंस्ट विच डैश कैन बी इशूड। चेक इशू कर सकते हो FD के अगेंस्ट? नहीं, नो चेक है ना। आप चेक करंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में इशू कर सकते हो, FD के लिए नहीं कर सकते क्योंकि वो तो फिक्स्ड हो गया। सी, करेंसी नोट्स हेल्ड बाय पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स आर इंक्लूडेड इन M1। हाँ M1 भी लिख सकते हो, पर थोड़ा सा बेहतर आंसर लिखलाते थे मनी सप्लाई। तो करेंसी नोट्स और डिमांड डिपॉजिट्स दोनों किस में इंक्लूड होते हैं? मनी सप्लाई। उसके बाद डी, ए थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो उसको क्या कहते हैं? मनी, क्योंकि मनी ही तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह कॉमनली एक्सेप्टेड है, उसकी परिभाषा है ना मनी की। और ई, डैश इज अ सिस्टम, ए सिस्टम वेयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स इज नोन एज बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, सिंपल। तो ये भी ओके हो गया। चलो अब है जी 18th में मैच द फॉलोइंग। तो आप वन बाय वन बस मुझे बताओगे। तो वन में पूछ रहा है M1, तो M1 का फॉर्मूला मतलब कौन से पॉइंट से मैच कर रहा है? वेरी गुड, करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट। याद आ गया M1 का फॉर्मूला। फिर M2 किससे मैच कर रहा है? M2 का फॉर्मूला M1 प्लस सेविंग्स डिपॉजिट। याद आ गया। फिर M3 का फॉर्मूला M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स। और M4 का फॉर्मूला M3 प्लस ऑल डिपॉजिट। क्लियर? तो आपका मैच का आंसर बन गया ए 2 से मैच हुआ, बी 1 से मैच हुआ, सी 4 से मैच हुआ और डी 3 से मैच हुआ। तो इसका आंसर ऐसे लिखना है एग्जाम में, ये तो क्वेश्चन पेपर में आएगा ना, पूरा थोड़ी ना लिखेंगे। तो ए 2 से, कॉमा बी 1 से, सी 4 से और डी 3 से। चलो अब 19th बच्चे बताएंगे जी एक और मैच द फॉलोइंग। ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम का ड्रॉबैक क्या है? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। वेरी गुड, ड्रॉबैक पढ़ा था ना आपने बार्टर सिस्टम में, कि ऐसा सिस्टम नहीं होता जिसमें वैल्यू ट्रांसफर की जा सके। फिर प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी,
याद है उसमें एम बड़ा करवाया था ताकि याद रहे, प्राइमरी वाले एम से शुरू होते हैं, तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी कौन सा है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद जी सी सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी, उसमें एस बड़ा करवाया था याद है ना, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। और ड्रॉबैक ऑफ मनी, वैल्यू नॉट स्टेबल, मनी की वैल्यू स्टेबल नहीं रहती, बदलती रहती है। चलो अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 26 तक है, ये आपको करने हैं अपने आप, सुंदर सुंदर खूबसूरती से भरे हुए फुल प्रेजेंटेशन के साथ, जिसमें आप नोट्स की भी सहायता ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब ये वाले सवाल आपको करने, ये आपके एक सेल्फ क्वेश्चन है, बाकी 19 तक मैंने सारे करवा दिए जो MCQ, रीजन एसर्शन, फिल इन द ब्लैंक या मैच द फॉलोइंग थे। ठीक है, हेलो बच्चों, बच्चों क्या आपका भी सपना है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का और आप चाहते हैं अपनी CA की जर्नी मेरे साथ यानी कि हमारी पूरी RKG टीम के साथ कंप्लीट करना, तो आपको करना है सिर्फ एक काम, RKG CA क्लासेस के ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपको CA फाउंडेशन, CA इंटर और CA फाइनल की आपकी कंप्लीट जर्नी की गाइडेंस मिलेगी। RKG के साथ अपनी CA की तैयारी करने के लिए आपको मिलते हैं दोनों ऑप्शंस, यानी कि अगर आप ऑनलाइन घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और अगर आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आकर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको करना है सिर्फ एक काम, RKG CA क्लासेस के ऐप को आज ही डाउनलोड करें, इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस, आई होप आपकी CA की जर्नी बहुत अच्छी रहे और आप एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकले। तो आइए बच्चों जी निकालिए अपनी वर्कशीट, और बैंकिंग के बारे में हमने सारा डिस्कशन कंप्लीट कर लिया था, जो आपको याद नहीं होगा तो इसीलिए हम साथ साथ क्वेश्चंस करेंगे आपके साथ, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। Who issues 10 रुपी नोट इन इंडिया, भारत में 10 रुपए का नोट, RBI। ठीक है, तो आप लिख लो बस ऑप्शन सी। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो होते हैं ना, ये होता है कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो होता है ना CBI, ये होता है कमर्शियल बैंक। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होती है वो करती है सिर्फ 1 रुपए के इशू। चलो क्वेश्चन नंबर 2, रिवर्स रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रिवर्स रेपो रेट कौन सा रेट था, पहले वो स्टोरी याद करो। RBI कमर्शियल बैंक से पैसा लेता है और फिर बदले में कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट देता है, उसे बोलते थे ना रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस बताओ कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, एट विच बैंक पार्क देयर सरप्लस फंड विद RBI एंड गेट इंटरेस्ट, या बी विच इज चार्ज बाय RBI ऑन लोन्स गिवन टू कमर्शियल बैंक्स, या सी एट विच पीपल डिपॉजिट देयर सेविंग्स इन कमर्शियल बैंक, या डी एट विच कमर्शियल बैंक गिव लोन टू एंटरप्राइज। ए, बिल्कुल सही। तो ए जो है वो रिवर्स रेपो रेट की एग्जैक्ट डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 3, टू कर्ब द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए, कर्ब का मतलब होता है ठीक करने के लिए, द RBI शुड नॉट, RBI को क्या नहीं करना चाहिए, मतलब इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए, ये पूछ रहा है। रेजिंग रेपो रेट, ये तो करना चाहिए क्योंकि रेपो रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन ठीक होता है। सी रेजिंग बैंक रेट, ये भी करना चाहिए क्योंकि बैंक रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन कम होता है। डी रेजिंग रिवर्स रेपो रेट, ये भी करना चाहिए क्योंकि रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने से भी इन्फ्लेशन कम होता है। तो इसका मतलब सही ऑप्शन क्या है, बी। तो ए भी करना चाहिए था, सी भी करना चाहिए था, डी भी करना चाहिए, लेकिन बी नहीं करना चाहिए, मतलब बी बचेगी कुछ नहीं बेसिकली। उसके बाद 4, हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कस्टोडियन याद है ना कौन होता है,
कौन होता है? सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, तो मतलब आंसर पता है आरबीआई है। उसके बाद है जी फाइंड द ऑड वन आउट अमंग द फॉलोइंग। ऑड वन आउट मतलब इनमें से अनोखा कौन है, ओपन मार्केट ऑपरेशन या बी एसएलआर या सी मार्जिन रिक्वायरमेंट या डी बैंक रेट। तो इनमें से अनोखा कौन है, कैसे पता? ओपन मार्केट ऑपरेशन है क्वांटिटेटिव मेजर, मतलब वो वाला जनरल कंट्रोल मेजर। एसएलआर भी है क्वांटिटेटिव मेजर, मतलब जनरल कंट्रोल मेजर। बैंक रेट भी है क्वांटिटेटिव मेजर, मतलब जनरल कंट्रोल मेजर। मार्जिन रिक्वायरमेंट कौन सा है? क्वालिटेटिव स्पेसिफिक कंट्रोल मेजर, तो इसीलिए यही अनोखा हो गया। उसके बाद अब आपके पसीने निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें आपको याद है ना कैसे करनी होती है स्टोरियां, धीरे धीरे पढ़ना है, ठीक है? तो पहले असर्शन में कह रहा है कमर्शियल बैंक्स एक्ट एज ए लास्ट रिजॉर्ट टू बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। फॉल्स। क्यों फॉल्स? क्योंकि आरबीआई जो है वो एक्ट करता है एज लास्ट रिजॉर्ट। वेरी गुड, ठीक है ना, तो फॉल्स हो गया। तो वैसे तो असर्शन देखो जब फॉल्स होता है तो एक ही ऑप्शन में ए इज फॉल्स का ऑप्शन देता है वो। देखो ए ऑप्शन में लिखा है बोथ आर ट्रू, बी ऑप्शन में भी लिखा है बोथ आर ट्रू, और सी ऑप्शन में लिखा है ए इज ट्रू। तो ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन तो हो गए ही नहीं। तो जैसे ही असर्शन अगर फॉल्स हो जाए तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है काम, क्योंकि अब पता है आपको कि ऑप्शन डी ही होगा, ऑप्शन डी ही होगा, क्योंकि असर्शन के फॉल्स होते ही एक ही ऑप्शन फिट बैठ रहा है। क्लियर हो गया पॉइंट? अच्छा, तो डी ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद सेवंथ पढ़ेंगे धीरे धीरे। द सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंक दैट कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। ट्रू या फॉल्स? ट्रू, ठीक है। अब रीजन पढ़ो आगे, कह रहा है रीजन बिकॉज इट इज नॉट द सोल एजेंसी ऑफ नोट इशूइंग एंड कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। फॉल्स। क्यों फॉल्स? क्यों? तो ये सोल एजेंसी नहीं है वो कह रहा है, और ये कंट्रोल नहीं करता या एंड कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। 1 रुपी के नोट तो लेकिन ये नहीं इशू करता ना इंडिया में, तो सोल एजेंसी ऑफ नोट इशूइंग तो नहीं है वैसे तो। 1 रुपी के नोट कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और 2 एंड अबव के आरबीआई है ना। तो इसका मतलब ये सोल इशू करने वाला है कि नहीं? नहीं है। और लिखा है एंड कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। ट्रू, तो वैसे ये आप ट्रू ही लिख लो, क्योंकि इंडिया के अंदर 1 रुपी नोट तो गवर्नमेंट इशू कर रही है और 2 रुपी नोट या अबव आरबीआई इशू कर रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते, मतलब ये बात ठीक ही लग रही है ना फिर। अच्छा, फिर आगे का स्टेटमेंट तो वैसे ही ठीक है कि इट कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, तो ये तो वैसे भी ठीक है। तो अब ए और बी को दोनों को लिंक करके पढ़ो और ये बताओ कि क्या बी जो है वो ए का सही एप्ट रीजन है या नहीं है। कह रहे सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बैंक दैट कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री बिकॉज इट इज नॉट द सोल अथॉरिटी ऑफ नोट इशूइंग एंड कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। बताइए भाई, क्या ये उसका एप्ट रीजन है? ये है प्रश्न की सेंट्रल बैंक सबसे बड़ा बैंक है, सबसे एपेक्स बॉडी है जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करती है, क्योंकि वो नोट इशू नहीं करता सोलली और वो मनी को कंट्रोल करता है। तो मुझे तो ये रीजन एप्ट नहीं लग रहा। आपने कैसे कहा कि ये रीजन सही है? सेंट्रल बैंक एपेक्स बॉडी सबसे बड़ी है बैंकिंग सिस्टम की, क्योंकि वो सारे कमर्शियल बैंकों को मॉनिटर करती है, ये इसका सही रीजन है। तभी तो उसको बोलते हैं ना कि आरबीआई इज द बैंकर्स बैंक, आरबीआई इज द बैंकर्स का सुपरवाइजर, तभी तो वो पूरे बैंकिंग सिस्टम का एपेक्स बॉडी होता है।
नोट इशू करने से या मनी सप्लाई कंट्रोल करने से ये नहीं बोल सकते आपकी वो एपेक्स बॉडी है। तो इसका मतलब जो रीजन दे रखा है वो आपको एप्ट रीजन नहीं दे रखा है। बी ऑप्शन जो है वो इसमें इसलिए सही ऑप्शन है बेसिकली। तो ए और बी आर ट्रू, मतलब ए और आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बेसिकली। तो रीजन सही जब तक नहीं होगा तब तक आप ए ऑप्शन नहीं कहोगे। चलो तो एक नंबर कटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द सेंट्रल बैंक इशूज करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ सी आर आर, बताइए। सेंट्रल बैंक जो करेंसी इशू करती है वो सी आर आर के बेसिस पर इशू करती है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, फॉल्स। क्यों? तो किसके बेसिस पे करती है? ये बच्चे कह रहे हैं कि भाई सीआरआर के बेसिस पे नहीं करती है करेंसी इशू, तो किसके बेसिस पे करती है? गोल्ड या फॉरेन करेंसीज की बैकिंग होनी चाहिए उतनी, उसी के बेसिस पर वो करेंसी इशू करती है। हाँ, फॉरेन रिजर्व्स होने चाहिए, है ना। तो ये लाइन लिखवाई थी ना कि सेंट्रल बैंक करेंसी जो इशू करती है वो उतनी ही इशू करती है जितनी बैकिंग की उसके पास फॉरेन एक्सचेंज या गोल्ड होते हैं या एसेट्स होते हैं, ना। तो वो सीआरआर के बेसिस पे थोड़ी ना करेंसी इशू करती है। तो ए गलत हो गया। अब क्या करें? ऑप्शन डी। तो ए इज फॉल्स होते ही समझ जाओ कि डी। उसके बाद जी नाइन्थ। नाइन्थ में कह रहा है बाय ऑफरिंग लोन्स टू द कमर्शियल बैंक्स इन सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी द सेंट्रल बैंक एंश्योर्स दैट द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री डज नॉट सफर एनी सेटबैक्स। मतलब इस लाइन का हिंदी में मतलब ये है कि कमर्शियल बैंकों को मुसीबत के समय में जब वो लोन देता है आरबीआई, तो वो इस बात को इंश्योर करता है कि जो बैंकिंग सिस्टम है देश का उसको किसी सेटबैक का वो ना हो, उसको कोई मतलब परेशानी ना हो। तो इस बात से आप सहमत हो कि नहीं? यस सर, ट्रू। तो इसीलिए वो बैंकों की मदद करता है। मैंने आपको इसमें स्टोरी भी सुनाई थी। तो अगर कोई भी कमर्शियल बैंक कभी मुसीबत में होता है, इमरजेंसी में होता है, तो आरबीआई उसको क्या करता है? हेल्प करता है। किसीलिए हेल्प करता है? ताकि बैंकिंग सिस्टम में कोई झटका ना लगे। अब वो इसका रीजन दे रहा है बिकॉज द सेंट्रल बैंक एंश्योर्स दैट द बैंकिंग सिस्टम ऑफ मनी मार्केट डज नॉट रिमेन स्टेबल। बताइए जी, सेंट्रल बैंक ये इंश्योर करता है कि जो बैंकिंग सिस्टम है पैसों का वो स्टेबल ना रहे। तो क्या आरबीआई ये चाहेगा कि जो मनी मार्केट है पैसों का या जो बैंकिंग सिस्टम है पैसों का वो स्टेबल ना रहे? ऐसा तो नहीं चाहेगा ना। उल्टा आरबीआई तो स्टेबिलिटी चाहता है। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। तो ए जो है वो ट्रू है और आर जो है वो फॉल्स है। तो कौन सा ऑप्शन बन गया? सी। ए इज ट्रू बट और आर इज फॉल्स। चलो तो इसमें हो गया। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 10। द सेंट्रल बैंक डज नॉट प्रोवाइड क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी टू द कमर्शियल बैंक्स। क्यों? क्योंकि वो प्रोवाइड करता है, और वो हमने एक फंक्शन पढ़ा भी था, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। तो ये तो आसान हो गया। तो अगर असर्शन ही गलत हो गया तो ऑप्शन डी। तो ए इज फॉल्स, असर्शन इज फॉल्स। ठीक है, यहां तक ओके हो गया। अब आते हैं जी नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं कुछ। तो नंबर 11 में कह रहा है डैश इज द कस्टोडियन ऑफ नेशनल रिजर्व ऑफ इंटरनेशनल करेंसी। कौन होता है? आरबीआई। ओके, ठीक है। उसके बाद बी, डैश इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स टू द कमर्शियल बैंक विदाउट एनी कोलेट्रल। मतलब कभी कभी सेंट्रल बैंक बिना कोई सिक्योरिटी लिए ही कमर्शियल बैंकों को लोन देता है, तो उस पर वो जो ब्याज यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है उसे क्या बोलते हैं? बैंक रेट। तो आप लिख लो, बिल्कुल सही, उसे बोलते हैं बैंक रेट। नहीं, रेपो रेट में सिक्योरिटी लेता है,
रेपो रेट में सिक्योरिटी लेता है, लेकिन बैंक रेट में सिक्योरिटी नहीं लेता। बैंक रेट कौन सा वाला था? लॉन्ग टर्म वाला। तो भाई लंबे समय के लिए लोन ले रहा है बैंक, तो दादाजी कहते हैं कुछ सिक्योरिटी दो। और रेपो रेट कौन से वाला पीरियड का था? शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म के लिए दादाजी कहते हैं मुझे भरोसा है तुम पर, तो तब वो सिक्योरिटी, मतलब सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, बैंक रेट के टाइम पर बैंक आरबीआई बोलते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए अगर लोन ले रहा हूँ या लोन दे रहा हूँ आपको, तो आपका पैसा मेरे पास है तो मेरे को सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म जब रेपो रेट लेता है जब आरबीआई, तब वो उससे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी भी रखवा लेता है। तो इसीलिए इसमें आप आंसर बैंक रेट ही भरना, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि आरबीआई ने कोई सिक्योरिटी नहीं ले रखी विदाउट एनी कोलैटरल, मतलब विदाउट एनी सिक्योरिटी। उसके बाद सी, डैश रिफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक विच इट हैज टू कीप विद आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व। सीआरआर, वेरी गुड। क्योंकि जो कमर्शियल बैंक पोर्शन आरबीआई के पास रखता है उसको हम क्या बोलते थे? सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, उसके बाद डी, डैश रिफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट विच इज रिक्वायर्ड टू कीप विद सेंट्रल बैंक। क्यों? सेंट्रल बैंक के साथ जो रखना पड़े उस मिनिमम परसेंटेज को क्या बोलते हैं? सीआरआर। जो सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई के पास रखवाते हैं हम अपने डिपॉजिट का हिस्सा, उसको क्या बोलते हैं? सीआरआर। तो ये एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि दो फिल इन द ब्लैंक सेम क्यों आ गए, ये जानबूझ के देते हैं ताकि बच्चा गलत करे। बच्चा नीचे वाले का या तो एसएलआर लिख कर आएगा जबरदस्ती या एलआरआर लिख कर आएगा जबरदस्ती, तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना है। उसके बाद ई, ये तो सिखाया था आपको, ड्यूरिंग डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब हो गया एक तरह से इन्फ्लेशन का उल्टा, इट इज एडवाइजेबल टू डैश द बैंक रेट एंड परचेज सिक्योरिटीज इन मार्केट। तो डिक्रीज, वेरी गुड। तो इट इज एडवाइजेबल टू डिक्रीज या लोअर, कुछ भी लिख सकते हो, बैंक रेट। तो डिप्रेशन के दौर में आरबीआई बैंक रेट क्या करेगा? कम करेगा। बाकी इन्फ्लेशन होता या मनी सप्लाई ज्यादा होता तो बैंक रेट इंक्रीज कर देता। तो क्लियर हो गया यहां तक पॉइंट सब बच्चों को? चलो उसके बाद मैच द फॉलोइंग आप मुझे बताते रहना। क्वेश्चन नंबर 12, बैंक रेट बताइए कौन से में भेड़ना है, 1, 2, 3 या 4? लोन ऑफर्ड बाय आरबीआई टू कमर्शियल बैंक विदाउट एनी कोलेट्रल, वेरी गुड। तो ये इसीलिए सिखाया था पॉइंट आपको, जब बिना किसी सिक्योरिटी के लोन दे रहा है आरबीआई तब बोल रहे हैं बैंक रेट। फिर उसके बाद रेपो रेट किससे भेड़ेंगे? 3, क्योंकि लोन ऑफर्ड बाय आरबीआई टू कमर्शियल बैंक विद कोलेट्रल, लेकिन जब वो सिक्योरिटी लेता है और फिर उसको लोन देता है कमर्शियल बैंक को, तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोलते हैं रेपो रेट। तो ये याद रहेगा पॉइंट। तो सिक्योरिटी के साथ अगर रेट पूछे तो रेपो रेट, बिना सिक्योरिटी के रेट पूछेगा तो बैंक रेट। ठीक है ना। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या था जी? 1, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। ठीक है, और सीआरआर जो बच गया, 2, रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक केप्ट विद आरबीआई। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 13, बस तो मेरा खेल 13 पे खत्म हो जाएगा, 14 से 19 पे फिर आपका खेल शुरू होगा। तो 13 में पूछ रहा है जी, ए, मॉरल सुएशन क्या होता है? मॉरल सुएशन को किससे मैच कराएं? 4, प्रेशर टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव्स, मतलब आरबीआई थोड़ा दबाव बनाते हैं कि भैया मेरी बात मानो। मार्जिन रिक्वायरमेंट 3, मार्जिन बताया था ना, सिक्योरिटी और लोन का डिफरेंस मार्जिन। उसके बाद क्रेडिट रैशनिंग 2, उसमें बताया था लिमिट लगा देते हैं, फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटा। और ओपन मार्केट ऑपरेशन 1, जो बच गया, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी। ठीक, चलो अब हम सिर्फ डिस्कस करेंगे ताकि आपका खेल शुरू करने से पहले मेरा खेल खत्म हो जाए। तो हम ओरली इन सवालों को एक बार डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में लिख रहा है,
मेंशन एनी टू क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था ना कि क्वालिटेटिव कौन से होते हैं, तो उनमें से कोई भी दो मेजर आप लिख सकते हो। 15वें में पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट। तो इसमें आपको पहले तो रिवर्स रेपो रेट समझाना पड़ेगा, तो वो सबको पता है क्या होता है। और जब आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज करता है तो उससे आपको पता है कि मार्केट में क्या होती है, अल्टीमेट सप्लाई मनी की कम हो जाती है, तो वो लाइन आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। क्लियर है क्वेश्चन? फिर 16, हाउ डज चेंजेस इन बैंक रेट अफेक्ट मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, एक्सप्लेन। तो एक सब बच्चे बड़े ध्यान से सुनना, एक आपको एक चीज सिखानी है मुझे। यहां पर चेंजेस वर्ड लिखा है, चेंजेस, ठीक है। चेंजेस का मतलब हमेशा ये होता है कि आपको ना दोनों केस बताने पड़ेंगे कि अगर बैंक रेट इंक्रीज होगा तो, और अगर बैंक रेट डिक्रीज होगा तो। क्योंकि चेंज का मतलब कुछ भी हो सकता है ना, चेंज का मतलब खाली ये नहीं है कि बढ़ा के दिखा दिया, चेंज का मतलब बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो इसमें आपको दोनों चीजों के बारे में बताना पड़ेगा। तो बैंक रेट तो सबको पता है क्या होता है, और बैंक रेट के बढ़ने से क्या होगा, है ना, मनी सप्लाई कम हो जाती है, और बैंक रेट के घटने से क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो दोनों केस कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन 17, सेंट्रल बैंक एक्ट एज बैंकर टू द गवर्नमेंट। तो ये मैंने आपको एक फंक्शन लिखवाया था, ओरली बता देता हूं। इसमें तीन कीवर्ड्स भी लिखवाए थे कि वो सरकार का बैंकर भी होता है, सरकार का एडवाइजर भी होता है, सरकार का एजेंट भी होता है। तो कैसे आरबीआई जो है वो सरकार के बिहाफ पे सारे काम कर रहा होता है, तो उसको आपको इलैबोरेट करना है। 18th, व्हाट इज लीगल रिजर्व रेशियो। तो LRR क्या है, उसकी डेफिनेशन आ जाएगी। एक्सप्लेन इट्स कॉम्पोनेंट्स, इसके दो कॉम्पोनेंट्स क्या है, CRR और SLR, तो उसकी भी एक्सप्लेनेशन आ जाएंगी। और 19th में पूछ रहे व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी होती है आरबीआई की, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है जो हमने पूरा क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन पढ़ा है ना, उसी को मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। तो उसके दो मेजर्स कौन से होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव, मतलब एक जनरल कंट्रोल मेजर्स और एक स्पेसिफिक कंट्रोल मेजर्स। तो आपको उनको हेडिंग बनाकर उनके बारे में कोई भी दो दो पॉइंट्स के बारे में लिखना पड़ेगा। तो क्लियर हो गई बात। तो ये जो लास्ट के थ्योरी क्वेश्चंस हैं ये अब आपको करने हैं अपने आप। 5 नंबर वालों में आप कितने वर्ड्स लिखोगे, 100 से 120 या 150 तक। 3 नंबरी वालों में 60 वर्ड्स तक, 100 तो ज़्यादा हो जाएगा। और 1 मार्क्स वालों में 20 वर्ड्स, 2 लाइन, और 1 नंबर वाले में, मतलब 1 नंबर वाले में 1 लाइन। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन पहले बताओ जी, सबको क्लियर है, किसी को घबराहट तो नहीं हो रही। चलो ठीक है, तो अब आपका कार्य शुरू, मेरा कार्य समाप्त। तो ये था बच्चों आज के हमारे इस लेक्चर में। आई होप आपको पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। मुझे प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको इस टॉपिक में कौन कौन सी चीजें आसान लगी, या कोई मुश्किल चीज जो आपको इस लेक्चर में लगी तो वो भी प्लीज मुझे मेंशन करके नीचे जरूर बताना। क्या बच्चों के 5 नंबर कट जाएंगे बोर्ड्स में, किस बात के, मतलब जब ये पढ़ाई के अलावा ब्रेक लेते हैं तो इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट करते हैं और अभी तक मेरे को फॉलो नहीं करा। तो ठीक है, बच्चों के कटने तो 5 नंबर, क्या होता है। और कल को जब ये पढ़ लिख के अच्छा कॉलेज जाएंगे, अपना प्रोफेशनल सर्कल बढ़ाना होगा, तो लिंक्डइन पर भी अभी मेरे को फॉलो नहीं कर रहे, तो ठीक है इनका सर्कल छोटा रह जाएगा, मुझे क्या, मोटिवेशन चाहिए। हाँ बच्चों को तो मोटिवेशन के लिए मेरे ट्वीट तो फॉलो करते ही होंगे, क्या नहीं करते, तो ठीक है बच्चों की मर्जी, इनके नंबर भी कटेंगे ना, इनको मोटिवेशन मिलेगी ना इनका प्रोफेशनल सर्कल बड़ा होगा, ठीक है कोई बात नहीं।